नमस्कार दोस्तों, मैं मंदिरा, मेरे चैनल मंदिरा स्ट्रेंडी पंचवंजन में आप सबको स्वागत करती हूँ। रोज की तरह फिर से मैं आ गई और एक नई रेसिपी लेके। इस समर आ गया इसलिए आज मैं बनाऊंगी फालूदा। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए सारा दिखाऊंगी, करते करते आज दिखाऊंगी, आप लोग देखते रहिए। अगर मेरा रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो रेसिपी पे चलते हैं। फर्स्ट मैं रबड़ी बनाऊंगी। इसके लिए मैं कढ़ाई में अमूल का फुल फैट मिल्क 1/2 लीटर मैंने डाल दी। फ्रेंड्स देखिए, मैं कस्टर्ड पाउडर 1-2 चम्मच पानी में पहले डालूंगी, साथ मिलाऊंगी। एक चम्मच फुल भर के 1 चम्मच पाउडर शुगर, अच्छा से इसका घोल बनाऊंगी। इसके साथ मैं थोड़ा वैनिला एसेंस भी मिला रही हूँ, ज्यादा नहीं, 2 ड्रॉप। बर्फ पानी बना के पहले रख रही हूँ। अब इसको मैं पैन में डाल रही हूँ, थोड़ा इसको देते ही लो फ्लेम में चलाते रहना है। चलाऊंगी जो सेव होता है वो बनाऊंगी। मैं पहले व्हाइट सेव बना रही हूँ, इसको रबड़ी बनाने के लिए चलाते रही हूँ। वो भी थोड़ा जब तक ठीक ना होता है तब तक इसको थोड़ा चलाना पड़ेगा, ऐसे करके चलाना पड़ेगा। देखिए ऐसा इसका बनेगा, थोड़ा और गाढ़ा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये हो गया। अभी इसको एकदम जल्दी से जल्दी उसका जो मोल्ड है मोल्ड में देना पड़ेगा, मोल्ड में डालना पड़ेगा। बस मोल्ड में ही है, पाइपिंग बैग में भी कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे मोल्ड में देना पड़ेगा। मैं और एक ठो बना रही हूँ, ये कस्टर्ड पाउडर से बनाऊंगी, येलो कलर होगा। ये भी भर भर के 2 चम्मच डालूंगी। मैं 1 चम्मच शुगर पाउडर डाल रही हूँ, जरा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस मिला रही हूँ, स्ट्रॉबेरी एसेंस मिला रही हूँ, तो इसका थोड़ा स्ट्रॉबेरी का स्मेल आएगा। रोज वाटर भी दिया जा सकता है। अभी इसको मैं उठा के, फ्रेंड्स देखिए शेप इसका बन गया। अभी इसको मैं इधर से उठा रही हूँ। दूसरा फालूदा भी बन रहा है, ये देखिए अभी येलो कलर बन रहा है। ये कस्टर्ड से भी बनता है, ये येलो कस्टर्ड है। ऐसे कस्टर्ड का भी तरह तरह का कलर कस्टर्ड मिलता है, मेरे पास येलो था तो मैं येलो भी बना रही हूँ। तो फालूदा थोड़ा कलरफुल होने से ही अच्छा लगता है देखने में। राबड़ी में मैं थोड़ा कॉन्डेंस मिल्क भी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 2-3 चम्मच भर भर के कॉन्डेंस मिल्क डालूंगी। भर भर के मैं 3 चम्मच कॉन्डेंस मिल्क डालती। इसमें रबड़ी अच्छा बनता है, थोड़ा कॉर्नेस मिल देने से उसको। खाली 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ,
क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क मीठा होता है, ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। मैं अभी इसको भी ठंडा पानी में इसको बना रही हूँ। फ्रेंड्स अभी राबड़ी देखिए बन गया, देखिए अभी सब मैं अरेंज कर लिए, अभी खाली इसमें ग्लास में इसको अरेंज करना है। देखिए सब मैं एक साथ बना के रखी हूँ, सेब भी यहाँ पे बना के रखी हूँ, चिया सीड्स मैं भिगो के रखती हूँ, फिर इधर रबरी है, इधर होममेड आइसक्रीम है, और चेरी है, टूटी फूटी है, रोज सिरप है। फ्रेंड्स मैं एक तो रेडी कर रही हूँ, थोड़ा इसमें मैं रोज सिरप को घुमा घुमा के लगा रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा मैं इसका जो सेब है सेब डाल रही हूँ, जरा सा चिया सीड्स, इसके ऊपर फिर से जाएगा थोड़ा सेब डाल रही हूँ, थोड़ा सेब डाल रही हूँ, सीड्स फ्री, रोज वाटर, थोड़ा सा रोज सिरप डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं आइसक्रीम भी डाल रही हूँ। अगेन सेम प्रोसेस, सेब डालना है, सेब डालना है, टूटी फूटी, फिर उसके ऊपर जाएगा जरा सा राबड़ी, रोज सिरप, जरा सा रोज सिरप, ये बन गया वैनिला एसेंस फालूदा।